नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट ये 3.5 साल का आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। ये देखिए, रेगुलर रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट के फिनलैंड के आ रहे हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री एडिशनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट कर रही है वहाँ की इमिग्री, उनकी भी रिप्लाई प्रॉपर उनको भेजी जा रही है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम फिनलैंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए, वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोज वॉच कर सकते हैं। जैन इनटेक के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके थे, क्लोज भी हो चुके हैं, और जैन इनटेक के आई थिंक 15 या 16 एडमिशन हमने ऑलरेडी रिसीव भी कर लिए हैं। और जैन इनटेक के लिए जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है वो भी कंडक्ट होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट वेटिंग है। इवन जैन इनटेक में हमारे पास टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम भी था, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू देने वाले हैं। उसकी इंटरव्यू भी 2-4 दिन में होने वाली है। फ्री स्कूलिंग के बारे में भी मैंने पहले वीडियो डाली थी, फ्री स्कूलिंग कैसे आप फिनलैंड से ले सकते हैं, फ्री टीचर ट्रेनिंग आप फिनलैंड से कैसे ले सकते हैं, फिनलैंड में वोकेशनल फ्री ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका आयल्स पीटी एक्सपायर्ड है, आप विदाउट आयल्स और पीटी फिनलैंड में कैसे जा सकते हैं, कौन सी प्रोफाइल एक्सेप्टेबल है विदाउट आयल्स और पीटी, क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रॉपर बता सकता है। आपका फिनलैंड से एडमिशन नहीं आ पा रहा है तो आप फिनलैंड से ग्रंटेड एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके भी वे क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। वी हैव ए नंबर ऑफ वेज कि आप फिनलैंड में, अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड की है, वहां पर जाना है, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, बिफोर गिविंग योर फाइल टू एनी कंसल्टेंट, जस्ट आप फ्री में हमारी नंबर ऑफ वीडियोज वॉच करें। वॉच करने के बाद वो क्रॉस क्वेश्चंस अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है टुवर्ड्स फिनलैंड कंट्री। देयर आफ्टर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और अपना केस उस कंसल्टेंट को देने की कोशिश करें। मोटिवेशन से बचें, यहां पर गारंटी और वारंटी वर्ड यूज होते हैं, स्पेशली फॉर वीजा। हमें फिनलैंड के बारे में ही एक्सपीरियंस नहीं है, शेंगेन की जितनी भी कंट्रीज है 29, दैट इज ऑन अवर फिंगर्स, 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस रखते हैं। इवन हर एक कंट्री से रिलेटेड आप हमारी प्लेलिस्टें जरूर वॉच करें। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, जैसे मैं फिनलैंड के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, ऐसे ही हमें बाकी कंट्रीज के बारे में भी नॉलेज है। तो बाकी ट्रांसपेरेंसी यहां पर ओपन है, ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप हमारी ले सकते हैं। जो केसेस होने वाले होते हैं तो हम इमीडिएटली उसकी असेसमेंट आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं कि आपके लिए ये कंट्रीज की एलिजिबिलिटी है या आपका वीजा इन इन कंट्रीज में हो सकता है। बाकी डिसीजन आपका है। बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे, अप्रोक्स एज बच्चे की आई थिंक 35 है, बीकॉम की हुई है 58% है, और पीटी 70+ इनका पीटी का स्कोर है, और स्टूडेंट को इंटरनेशनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रीवियसली आयरलैंड से भी स्टडी की हुई है, वहां पे वर्किंग भी की हुई है, और यूएई जैसी कंट्री में भी वर्क परमिट पर रहा हुआ है। उसके बाद भी देखिए, इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इन्होंने हमें हायर किया है। क्यों किया होगा? क्योंकि इन्होंने हमारा सारा का सारा नॉलेज चेक किया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट और पेरेंट्स को नहीं पता चलता अच्छा कंसल्टेंट कौन है। लेकिन जब बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि प्रीवियसली फॉरेन कंट्री में ट्रेवल्ड है, वो बहुत सारी चीजों को अप एंड डाउन चेक करता है, तो उन्होंने डेयर आफ्टर हमें हायर किया। ऐसे स्टूडेंट्स को मार्केट के अंदर जो गलत एजेंट्स हैं उनको पीजी डिप्लोमा में भेज देते हैं। तो अभी ये देखिए कि इस स्टूडेंट भी फिनलैंड में जा रहा है, पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेना देयर इज नो एनी बिग चैलेंज, इसका पीजी डिप्लोमा में इमीडिएटली एडमिशन आ जाना था। अभी हमने बच्चे को ए टाइप रेजिडेंसी लेकर दी है, अभी ए टाइप रेजिडेंसी में जा रहा है इंस्टेड ऑफ बी टाइप रेजिडेंसी में पीजी डिप्लोमा। जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी डायरेक्ट एडमिशन में बनती है इधर बैचलर और मास्टर में, वो बच्चों को भी पीजी डिप्लोमा में जो गलत कंसल्टेंट भेजते हैं, तो उन चीजों को भी अवॉइड करें, आपके लाखों रुपए सेव हो सकते हैं। तो इवन ये बच्चा भी फिनलैंड में ए टाइप रेजिडेंसीज में जा रहा है, और जस्ट इन्होंने 4,30,000 रुपए की यूनिवर्सिटी की फीस देकर फिनलैंड में ये जाएंगे। इवन मैं सब बच्चों को और पेरेंट्स को ये भी बताऊंगा, किसी भी कंट्री में आज की डेट में जाना है तो मिनिमम से मिनिमम
इन्वेस्टमेंट और ट्यूशन फीस लगाकर जाएं, इंस्टेड ऑफ मोटिवेशंस को छोड़ें, बच्चे से डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। मैं सबसे आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितने का टाइम हो चुका है आपको? सर, ऑलमोस्ट 8 to 10 months हो चुका है। तो हमारे बारे में आपने कहां से फाइंड आउट किया? मैं दुबई में था, आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब पर। ठीक है, तो वहां से फिर आपको सर्च आउट किया। तो जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, जब वीडियो मेरी देखते हैं तो साथ में और भी बहुत सारे कंसल्टेंटों की रिकमेंडेशंस आती हैं, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट फिनलैंड और बहुत सारी कंट्रीज को प्रमोट करते हैं। आपको हमारे ऊपर कैसे जज आ गया कि हम आपके केस में टेक्निकली कुछ कर सकते हैं? आपकी वीडियोस देखकर सर मोटिवेशन आई। हाँ, मोटिवेशन क्यों है, अभी यहाँ पर भी कोई स्क्रिप्ट नहीं दी हुई, हमने फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे पास आए, मीटिंग की होगी, आपको कंट्रीज के बारे में सजेस्ट किया होगा, तो फिनलैंड के अलावा भी कुछ कंट्रीज सजेस्ट की थी आपको हमने? नहीं, एक्चुअली मेरी एज के अकॉर्डिंगली आपने सजेस्ट किया था फिनलैंड में, फिनलैंड ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फिनलैंड में हमने आपकी कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया? सिर्फ एक में ही डाला था एडमिशन आ गया, या 2-4-5 में डाला था? 3-4 में डाली थी। तो जब आप अभी 8 months हमसे हो चुका है, आपको टेंशन भी हुई होगी कि होगा कि नहीं होगा, मेरी एज ऐसी है, कुछ ऐसा माइंड में तो चलता ही है? डेफिनेटली थोड़ा बहुत होता टेंशन कि यार पता नहीं क्या होगा, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं यूएई से। अभी यूएस से जॉब रिजाइन कर रहे हैं या कैसे हैं? क्योंकि उनके जो यूएई के रूल एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहां पर 7 एमिरेट्स आपने ट्रेवल किया कि नहीं किया? नहीं। कौन कौन से एमिरेट में रहे वहाँ पे आप? शारजा, दुबई, और रसल खेमा। देखो, 3 एमिरेट्स भी ट्रेवल किए हुए हैं, वहां पर घूमे हैं। तो आयरलैंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आयरलैंड का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कितने साल रहे आयरलैंड आप? मैं 4 years रहूंगा। 4 years वहां पर एज ए क्या गए थे, स्टूडेंट गए थे या कैसे? हाँ जी, स्टूडेंट गया था। तो आपको इट मींस फॉरेन लाइफ में अभी जाने में इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब इजीली आप एडजस्ट हो जाएंगे ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस से हो जाएगा। ठीक ठीक, तो अभी आते हैं जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बारे में। अभी आपने फॉरेन में जाना है, क्योंकि फॉरेन जाने के ड्रीम्स बहुत सारे बच्चों के होते हैं, आप तो एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि जाते ही जॉब्स वहां पर पड़ी हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी? बहुत। देखिए, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस ही बोलता है, मैं हर एक कंट्रीज में आज की डेट में देयर इज अ बिग चैलेंज फॉर जॉब्स। लोगों को, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे को प्लेन में बैठा दिया, अभी बस बच्चा पहुंच गया, वहीं पर अपनी ट्यूशन फीस निकालेगा, वहीं पर खाएगा और हमें भी भेजेगा। वो टाइम चला गया है, आपने अपने बच्चों को विदेशों में भेजना है। अगर आपके पास फंड्स हैं तभी भेजें, नहीं तो फॉरेन की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। अदरवाइज इंडिया में भी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, यहाँ की भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, IITs देखिए अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे NITs हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ की भी एजुकेशन बेटर है। वो टाइम चला गया, सो समझ कर फॉरेन कंट्रीज के डिसीजन भी लेने हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? बहुत अच्छा था सर। मतलब वीजा आ गया तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो देन मेरी प्रोफाइल नहीं, मतलब उसमें आपको लगता है गिल्टी होती कि हमारी सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट रोंग रही है, जहाँ कहीं पर कुछ ड्रॉबैक रहा? नहीं, मैं अपनी प्रोफाइल को ही वो मानते हैं। मतलब पॉजिटिव रहते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, और ऑप्शंस देते हैं, या कहते हैं कि चलो क्लोज करो अभी, चलिए दोबारा? सेकंड ऑप्शन ये होता है कि सर अब क्या करना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, पॉजिटिव भी रहना है। कोई भी पर्सन किसी को भी 100% नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, इवन मैं भी एक फादर हूँ, मैं अपने बच्चों को 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊँ, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं आपको 100% दे पाऊँ? केस लेने से पहले मैं परसेंटेज बता सकता हूँ, इसके 90% चांसेस है, 10% इन द हैंड्स ऑफ एम्बेसीज। आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसा लगा कि हमारी सेटिंग्स है एम्बेसीज के अंदर फिनलैंड में, वहां पर वीजा दे दिया, क्राउन का नाम ले दिया तो वीजा मिल जाएगा? नहीं नहीं सर। आपको लगता है किसी एजेंट की सेटिंग्स हो सकती है एम्बेसीज में? कभी नहीं। तो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अपनी प्रोफाइल में कितना होता है, जब स्टूडेंट्स ने अपना केस प्रोसेस करना होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है? मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50%, 100%, 70%, 100%? देखिए, 100% जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट अपनी प्रोफाइल में नहीं है, आप किसी भी कंसल्टेंट को अपना प्रोफाइल देते हैं, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो मैं बच्चों को, पेरेंट्स को यही बताता हूं, मैं इस वीडियो का डालने का मकसद यही नहीं है मोटिवेशन देना, चलो फिनलैंड, चलो मैं बहुत वीजाज लगाता हूं, इसमें फैक्ट भी हम साथ में बताते हैं। तो अगर आपने फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, रिसर्च जरूर करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन, क्योंकि फॉरेन की लाइफ रियली वेरी टफ है। तो बाकी क्राउन इमिग्रेशन के बारे में या स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर फैमिली माहौल लगा है या बस एजेंटों वाला माहौल है? बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको इग्नोर किया हो किसी स्टाफ ने? आइदर कभी भी? मतलब सारा कुछ बढ़िया, फ्रेंडली माहौल है, बहुत अच्छा। तो फिर क्या कहेंगे ओवरऑल? आप आए,
कोई भी स्टूडेंट हैं जिनका एजुकेशन गैप है, लाइक मेरा एजुकेशन गैप ऑलमोस्ट 13 इयर्स का है, स्टिल आई गॉट द वीजा, तो आप आए जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं बाहर जाने के लिए, हिम्मत मत हारे, क्योंकि अबव 30 होता है कि काफी प्रॉब्लम्स होती हैं वीजा की, बट सो यू कैन कम टू क्राउन इमिग्रेशन एंड They will help you accordingly. तो देखिए इन्होंने motivations दिया है, मैंने 50 साल वाले को भी student visas पर भेजा है, but profile is very important. अभी profile में क्या है, इनको ये लगा कि हमारे पास गिद्दड़ सिंह ही पड़ी हुई, हमने करवा देना है. profile में सबसे पहले we are checking about the percentage, thereafter English proficiency, जो इनके पास थी 71, तो that is the plus point. और उसके बाद consultant का knowledge क्या है, वो कहाँ पर ऐसी चीजों को implement कर सकता है. तो लास्ट अभी इसको क्लोज करते हैं, अदरवाइज मेरे पास तो बहुत मटेरियल है. एनी हो, अगर अनदर मटेरियल भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू.